सर जी कितनी 50 की स्पीड से तो भागेगी ऐसी? हाँ आराम से, और इस पे रेस गियर की फैसिलिटी है। रेस गियर भी चला जाएगा। अरे वाह, पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। हेलो दोस्तों, कैम छो कैसे हो दोस्तों? काफ़ी लोग बोलते हैं कि गुज्जू भाई आप मार्केट के हटके वीडियो लाओ, तो इस बार बहुत ही एक अच्छा वीडियो लेके आए। अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे ईवी ऑटो है, तो इसके बारे में जानेंगे क्या फीचर्स है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है राधेश्याम भाई। राधेश्याम भाई कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। सर जी पहले तो अपनी कंपनी के फर्म के बारे में बता दीजिए। हमारी तुसाड़ा ईवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अहमदाबाद की एक ब्रांड है जी, जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जो आप देख रहे हो, और उसके बाद इलेक्ट्रिक लोडिंग टेम्पो, इलेक्ट्रिक हैवी लोडिंग टेम्पो, कचरे उठाने का हाइड्रोलिक टेम्पो, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मैन्युफैक्चर है। ओके, तो चलिए सर जी इसमें फीचर्स बताना स्टार्ट करते अपने। देखो ये इलेक्ट्रिक एक ऑटो रिक्शा हमने बनाया है, जो ऑटो रिक्शा चलाने वालों के लिए और बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। पैसेंजर में भी ये काफ़ी यूज़ हो सकता है सर जी? में सबसे अच्छा यूज़ हो रहा है, अच्छी लोडिंग कैपेसिटी है, और एक बार चार्जिंग करने से ये मैक्सिमम 110 से 120 किलोमीटर चलता है। 120 किलोमीटर आराम से। चार सवारी की परमिट है, चार सवारी आप बिठा सकते हो, और स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया पीछे। कितने 3 से 4 लोग वैसे बैठ सकते हैं? दो सवारी बिठा सकते हो, बट 3 भी बैठ सकती है। अपने परमिट कितनी है इसकी? 4 सवारी का परमिट है। 4 सवारी के परमिट। हाँ। एक ड्राइवर के साथ के ड्राइवर बगैर? नहीं, ड्राइवर अलग है। जी बहुत बढ़िया। तो इसमें बताइए सर जी, और इसके वैसे ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ऊंची है जी, कहीं नीचे लगेगा नहीं, टायर भी बड़े हैं, और ये पूरा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है। मतलब के बम्पर में कुछ अड़ेगा भी नहीं, नीचे कुछ नहीं लगेगा, और पूरा मेक इन इंडिया पूरा सब बैटरी से लेके सब। तो इसमें बैटरी कौन सी आएगी ये बता दीजिए। इसमें दो ऑप्शन है, अभी इसमें जो है लेड एसी बैटरी दे रखी है, जिसकी 1 साल की गारंटी है। ओके। एक बार चार्जिंग करने से 110 से 120 किलोमीटर आराम से चलेगा। 500 किलो की कैपेसिटी है। ओके। आप जैसे कि ब्रिज है तो इस पे आसानी से आप 4 सवारी बिठा के चढ़ा सकते हो। ओके। और ये फिक्स बैटरी आएगी? ये फिक्स आएगी, ये मैनुअल नहीं है। अगर ऑप्शन ये भी है, अगर आप सब्सिडी में जाओगे तो लेड एसी बैटरी की जगह आपको लिथियम बैटरी यूज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, बट वो पावर वाइज इससे भी बेटर होता है। और इसमें कैसा रहता है, गियर वेयर रहता है कि डायरेक्ट एक्सीलेटर से? नहीं, डायरेक्ट एक्सीलेटर है, गियर की जरूरत नहीं होती, प्रवेश गियर होता है। और मीटर सर जी कैसा है, ये थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। डिजिटल मीटर है। इसमें डिजिटल मीटर दिया है, और ड्राइवर के लिए भी काफी कंफर्टेबल सीट है। और इसमें सर जी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहने वाली है? इसमें 50 के लगभग है, 40 से 50 इसकी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है। हाँ। और चार्जिंग कितने टाइम में हो जाएगा? ये 5 घंटे से एवरेज चार्जिंग हो जाता है। 5 घंटे में हो जाएगा, 120 किलोमीटर जाएगी। हाँ, अगर लिथियम बैटरी यूज करते हैं लिथियम तो 3-3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। ओके, तो चलिए सर जी अपने एक राइड लगाते हैं, कैसी है तो अपने को पता चले। बिल्कुल, चलिए दोस्तों अभी आप देख सकते हो एकदम स्मूथ है। मतलब कैसे जी कितनी 50 की स्पीड से तो भागेगी ऐसी? हाँ आराम से, चार सवारी बिठा के आराम से 50 की स्पीड से चल सकता है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी कितनी बताई आपने? 500 किलो। 500 मतलब के 5 ऐसे तो हैवी पर्सन तो आराम से आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आराम। और पैसेंजर में भी देखना नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, और इस पे रिवर्स गियर की फैसिलिटी है। एरियल गियर करोगे? हाँ, रिवर्स गियर में भी चला जाएगा। अरे वाह, सारी फैसिलिटी है इसमें, और ऑटो रिक्शा वालों के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में सर जी पेट्रोल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। कंफर्टेबल है, और पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, पूरा मतलब कि इंडिया का ये तो बहुत ही अच्छा है सर जी। मेक इन इंडिया पहला प्रोडक्ट बना है जो मेक इन इंडिया ने हमने बनाया है जी, जिसमें सबसे बेरोजगारों के लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान। हाँ सर जी, ये बात तो सही है, साथ ही मेक इन इंडिया होने की वजह से मजबूत भी है। अभी अंदर के फीचर्स भी बता देता हूँ सर जी के सीट सारा है इसमें पूरा। और सर जी और काफ़ी जानकारी दीजिए क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है, जैसे सीट से लेके ये सर जी सीट के नीचे क्या है? स्पेस बैटरी बॉक्स है, अगर वो ओपन होता है तो सर जी ओपन होता है ना, इसको ओपन भी कर सकते हैं अपन, इसमें लॉक सिस्टम भी है। ओके, ये बैटरी का है? दो बैटरी इसमें है और दो बैटरी इसमें है। बहुत ही बढ़िया है, ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के अंदर मेक इन इंडिया बैटरी डाली है इसमें। अभी सर जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा
कि काफ़ी में क्या कैसा होता है कि अपना लाइसेंस नहीं होता है, इसमें कैसा रहता है लाइसेंस? इसमें ये आरटीओ माने हैं, इसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आरटीओ के सारे नॉन को फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें लोन की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है। मतलब अगर समझ लो किसी को सर जी अहमदाबाद के बाहर किसी को ऑर्डर करना रहेगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, हमारी कंपनी ने सारी चीज़ के डीलर बना रही है और डीलर है भी हैं। अगर समझ लो कोई पंजाब से, ठीक है सर जी, उसको ये लेना है तो कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बार आके यहाँ विजिट कर ले, अथवा हमारी डिटेल वेबसाइट से ले ले और पेमेंट कर दे, हम उसको सप्लाई वहाँ कर देंगे। बाकी मतलब कि एक अपनी इंडियन ब्रांड है, इंडियन सब चीज़ें है, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी अच्छा है, ऐसा है ना? और क्या अपने कंपनी का नाम था? तुसावड़ा के नाम से। और ये अपने ऑटो के अलावा क्या क्या है सर जी? ऑटो के अलावा बाइक है हमारे पास, मेक इन इंडिया बाइक है। ऑटो में जो लोडिंग टेम्पो आता है, जैसे बेकरी वाले के लिए है, स्टेनरी वाले के है, पूरा बॉक्स वाला आता है, बारिश में कोई भी मौसम में आप उसको यूज कर सको, ऐसा भी हमने बना रखा है। उसके साथ में एक हैवी लोडिंग वाला जिसमें 1.5 टन की कैपेसिटी होती है, वो भी हमारा एक पिकअप जितना वजन लेने वाला एक लोडिंग हमारे पास टेम्पो है, और एक हमने हाइड्रोलिक टेम्पो बनाया है जो कचरा पेटी वाला है। जी बहुत ही अच्छा है। चलिए सर जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कुछ लाते रहेंगे, कुछ नई प्रोडक्ट आएगी तो। थैंक यू।